हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हमारे समाचारों के साथ पहले मुख्य समाचार। शहर के एक मॉल में दो कर्मचारी के कोरोना संक्रमित मिलने से दहशत। गुरुवार को 4 कोरोना संक्रमित, संख्या हो गई 305। अपने हुए पराए, कोरोना से मौत के मातम में डूबे परिजनों को समाज ने ठुकराया। अंत्येष्टि की जगह को लेकर विरोध। जनप्रतिनिधि और शांति समिति सदस्य ने प्रशासन के साथ देर रात तक किसी तरह की अंत्येष्टि। घृणा बीमार से या बीमारी से खुद रहे लापरवाह, और अधूरी जानकारी होने पर एकजुट हो कर देते मानवता का तार तार। मरे हुए इंसान से इंसानियत को जिंदा करने में रात भर लगे रहे चंद लोग, बहुसंख्यक समाज ने पल्ला झाड़ा। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज, इंतजार किसका? जाएं सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ रीड हड्डी नस रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डीएमसीएच के सामने लहरिया सराय। कोरोना का ग्राफ धीरे धीरे बढ़ रहा है, 300 का आंकड़ा पार हो गया। और गुरुवार की बात करें तो शहर के एक मॉल में दो कर्मचारी सहित पूरे जिले में 4 कोरोना संक्रमित मिले, इनकी संख्या हो गई 305। हालांकि इनमें 250 से ज्यादा स्वस्थ हो चुके हैं, लेकिन सबसे गंभीर बात ये कि 7 को कोरोना ने लील लिया। इस लड़ाई में 7 अपनी जिंदगी से जंग हार गए, जिसमें 4 दरभंगा शहर के। 31 दिसंबर 2019 को दुनिया में पहला और 30 जनवरी 2020 को भारत में पहला कोरोना संक्रमित मरीज मिला क्या? इसने लगातार अपना पांव फैलाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे इसकी संख्या, अगर हम भारत की बात करें तो लगभग 6 लाख के आसपास होने जा रही है। पूरे विश्व में 1 करोड़ की संख्या पार करने के बाद लगता था कि अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, इटली इत्यादि ही देश है जहां कोहराम है, लेकिन हम सभी को छोड़कर चौथे पायदान पर हैं। ऐसी परिस्थिति में वुहान और चीन अपनी स्थिति सुधार रहा है और भारत की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। सरकारी नीति और राजनीति के बीच आरोप प्रत्यारोप के उठा पोह में अंततः कोरोना मरीज की संख्या बढ़ रही है। और बिहार की बात करें तो ये 10,000 के पार है, दरभंगा में 300 की संख्या पार कर चुकी है। दरभंगा में इसे रोकने के लिए 22 मार्च को जब पहला मरीज आया था, लगातार मशक्कत और प्रयास, बाहर से आने वाले सभी लोगों की चेकिंग, और अंततः 27 अप्रैल को प्रवेश कर ही गया कोरोना, जब दिल्ली से एक मरीज शोभन पहुंचा और वार्ड नंबर 20 में शिकार टोला में उसने अपना आसियाना में कदम रखा। लेकिन फिर भी 1 दर्जन की संख्या पार नहीं करने दिया यहां के लोगों ने। लेकिन जब अप्रैल महीने की शुरुआत अंत हुई तो ये 1 दर्जन के पास, लेकिन जब मई समाप्त हुआ तो यह 100 के आसपास अटक गया, संख्या 93। और जून का जब कहर शुरू हुआ तो इसने 6 जिंदगी लील ली, जिसमें 3 दरभंगा शहर के हैं और संख्या 300 के पार। जुलाई की शुरुआत ही खराब हुई और पहली मौत हुई जुलाई महीने में, संख्या हो गई 7, शहर में 4थी मौत। और इस तरह कोरोना लगातार अपना कोहराम दिखा रहा है, बता रहा है।
जिला पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार के निर्देश के तहत कड़ा स्टेप लेने का संकेत दिया है और गुरुवार को समीक्षात्मक बैठक में उन्होंने कहा कि अब मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का नियम सख्त करना होगा, 100% करना है। अधिकारियों के साथ उन्होंने कहा कि इसमें कारगर उपाय करें। मरीजों की मौत, जिसमें 7 मौत हो चुकी है, चिंताजनक बताते हुए कहा कि लोग अब धीरे धीरे भूल रहे हैं अनलॉक डाउन 2 को 1 को, और खतरा बढ़ता चला जा रहा है, संक्रमण बढ़ता चला जा रहा है। नगर निगम ने लगातार जो गेट है उसे लगा कर करके लगातार छिड़काव किया, उद्घाटन किया, लेकिन जब वक्त आया सही छिड़काव का तो इसके गेट उड़ते चले गए हवा में और सैनिटाइज अंदर बैठ गया। नगर निगम की अपनी चाल, अपनी ढाल, मजदूरों ने मेहनत की, लेकिन सिस्टम को चुनौती देते हुए अंततः निगम ने अपना रूप दिखा ही दिया। अब निगम संभवतः लाश उठाने की तकनीक पर बात करे, विचार करे तो कहना गलत नहीं होगा। कोरोना संक्रमित मरीज की संख्या दरभंगा शहर में भी लगातार बढ़ रही है और लापरवाही का आलम यह है कि 25-30% लोग ही मास्क का उपयोग करते नजर आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंस की धज्जियां सुबह सब्जी बाजार से जो लगातार उड़ती है वह दोपहर, शाम, रात होते हुए बाजार तक में ठहर जाती है। कर्फ्यू नाम का चीज रह गया है, जो ये शोभा की वस्तु है, ये हाल है। जरा देखना है मातम तो जाके वहां देखिए जहां मौत हुई है, जरा पूछना है गम तो उनसे जाकर के पूछिए जिन्होंने अपने सदस्य को खोया है। कोरोना से मौत के बाद अपने भी पराये हो जाते हैं। जी हाँ, एक दुखद तस्वीर, एक भयावह तस्वीर कि लोग कहते हैं कि लाश उठाने वाला नहीं मिलेगा, दरभंगा में भी इस तरह का वाक्या देखने को मिला। आखिर मानवता का तार तार कहाँ है हम? अधूरी जानकारी के अभाव में एक शमशान में जब एक पटना में एक दरभंगा के एक व्यक्ति की मौत हो गई थी कोरोना संक्रमण से, उसके सब की अंत्येष्टि के समय अंतिम समय में सूचना मिलने पर शमशान में लोगों ने हंगामा किया कि वो कोरोना संक्रमित का लाश नहीं जलेगा। मालूम रहे कि एक सप्ताह पहले कब्रिस्तान में भी इस तरह 3 जगह जगह नहीं मिलने पर एक कब्रिस्तान ने जगह दी थी, जबकि विशेषज्ञ बताते हैं कि पूरी सुरक्षा पद्धति से इसे दफनाने या जलाने से संक्रमण का कोई खतरा नहीं है। ऐसी परिस्थिति में शमशान से लोगों ने लकड़ियां इत्यादि उठाकर फेंक दी। देर रात शांति समिति के सदस्य और संबंधित वार्ड पार्षद ने किसी तरह उक्त शव की अंत्येष्टि की और अंततः प्रशासन ने राहत की सांस ली। लेकिन ये जो स्थिति है ये अंतिम नहीं है, कोरोना का कहर जारी है। एक तरफ लोग मास्क और सोशल डिस्टेंस के प्रति लापरवाह हैं, तो दूसरी तरफ जब दूसरे के यहाँ मौत होती है तो संवेदनहीनता दिखाते हैं और सक्रिय हो जाते हैं। ये सक्रियता चाहिए वैसे समय कि आप कोरोना को फटकने ही न दें। कोरोना काल में यह भीड़ जो आप देख रहे हैं यह सामान्य भीड़ नहीं है, अनलॉक डाउन 1 की तस्वीर है, अनलॉक डाउन 2 चल रहा है। आप देख लीजिए कितने प्रतिशत लोग मास्क लगाए और सोशल डिस्टेंस अपनाए नजर आते हैं। सभी की कोई मजबूरियां हैं, कोई हाय कर रहा है, कोई बाय बाय कर रहा है, कोई टाटा करके निकल जा रहा है, लेकिन जब कोरोना की मार आती है तो सब कुछ भूल जाते हैं। जी हाँ, चार चक्का से लेकर दो चक्का वाहन और एक दूसरे को धक्का देते बढ़ते आगे लोग, मानो रफ्तार की इस दौड़ में कोरोना की गाड़ी को भूलकर विकास की गाड़ी कहीं छूट न जाए। कहीं जाम लग रहा है, कहीं लोग रुकते हैं, कहीं थमकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। लेकिन कोरोना काल में कोरोना का प्रवेश जहाँ होता है तो मंजिलें वही होती है अधिकतर जहां 7 लोग पहुंच चुके हैं। जी हां, 300 के संक्रमित में 7 ने दम तोड़ दिया, जिसमें 4 दरभंगा शहर के हैं। और जहां मौत होती है वहां क्या होता है, जरा आसपास या उनके परिवार में जाके पूछिए तो कोरोना की कहर, कोरोना के कोहराम का पता चलेगा। बुधवार की सुबह दरभंगा के रहने वाले एक 50 वर्षीय दवा व्यापारी की पटना में मौत हो गई।
मौत के मातम में परिजन लाश लेकर जब यहाँ शाम को पहुँचे तो यहाँ के लोगों ने, स्थानीय लोगों ने मिट्टी में जगह भी नहीं दी, अंत्येष्टि के लिए लखी लकड़ियाँ को नदियों में फेंक दिया, यह कहकर कि इससे कोरोना संक्रमण बढ़ेगा। ये जो आप भीड़ देख रहे थे उससे संक्रमण नहीं बढ़ रहा था, और ये जो लकड़ियाँ बिछाई गई कि इसकी अंत्येष्टि हो जिसमें आग में सब कुछ जलकर राख हो जाएगा, वहाँ से इनके संक्रमण की बू आने लगी। ये हमारा समाज है जो मानवता का तार तार कर रहा है, इंसानियत को निचोड़ रहा है। देर रात स्थानीय वार्ड पार्षद, उप महापौर बदरुजमा खां और शांति समिति के सदस्यों के साथ प्रशासन ने अंततः निर्णय लिया कि सबको मिट्टी का हक मिलना चाहिए, अंत्येष्टि का हक मिलना चाहिए, और उन्होंने दूसरी जगह व्यवस्था की। ये तस्वीर हम आपको पैनिक करने के लिए नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन इसलिए बता रहे हैं कि भीड़ भरे बाजार में एक दवा व्यापारी जिनका सामाजिक सरोकार भी था, नाम तो हम नहीं ले सकते, लेकिन आप देखिए कि चंद गिने चुने लोग उनकी अंत्येष्टि के लिए प्रयासरत हैं। देर रात किसी तरह जाकर अंत्येष्टि हुई, लेकिन कोरोना काल में यह आखिरी नहीं है, ये तो शुरुआत है। किसी ने ठीक ही कहा है कि सब उठाने के लिए लोग नहीं मिलेंगे, वाकई लोग नहीं मिल रहे थे, सभी लोग छिटके नजर आ रहे थे। स्थानीय वार्ड पार्षद की सहभागिता से किसी तरह स्थिति संभली और अंत्येष्टि तो हो गई, लेकिन स्थिति भयावह है। मालूम रहे कि एक सप्ताह पहले इसी तरह जो कब्रिस्तान में एक मृतक को जगह नहीं मिली थी और दूसरे कब्रिस्तान में अंततः बुद्धिजीवियों की सहमति के बाद उसे मिट्टी दी गई। कोरोना काल में जहां लाखों लोग मर रहे हैं, भारत में भी इसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। बिहार में 60 के पार है, दरभंगा में 7 के पार है। ऐसी परिस्थिति में लोगों को अपने शमशान और कब्रिस्तान में भी भटकना पड़े, मरने के बाद भी जगह नहीं मिले, ये मानवता को तार तार करता है। मरे हुए व्यक्ति का शव लेकर रात भर इनके जो कुछ लोग थे और स्थानीय लोग इंसानियत को जिंदा करने में लगे रहे, ये कोरोना का कोहराम है, इसे समझना होगा। गुरुवार को शहर के एक मॉल में 2 कर्मचारी संक्रमित मिले, उसके बाद दहशत है और उस मॉल को सील कर दिया गया है। दूसरे मॉल में भी कोरोना का जो स्वाब है वह लिया गया है, जिसकी रिपोर्ट बाद में आएगी। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने इसे गंभीरता से लिया है और सभी मॉल और मार्केट को बारी बारी से वहां रैंडमली चेकिंग किया जाएगा। इसके साथ ही अब जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने खतरा बताते हुए कहा है कि यह जो संक्रमण का दौर है वह बढ़ता जा रहा है। लोगों का लापरवाह होना, मास्क नहीं लगाना, सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाना, इस पर अधिकारियों को उन्होंने सख्त निर्देश दिया है। यह दृश्य हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि कोरोना के कहर को समझिए, इसके कोहराम को समझिए। जहां मौत हुई है उस मातम वाले घर में जाकर करके पूछिए, जहां हंसते खेलते जिंदगियां उजर गई और अपने भी पराए हो गए, चाह करके भी लोग दूर हो गए, ऐसी परिस्थिति में इससे बचना ही सबसे बड़ा उपाय और सचेत रहना भी उपाय। हंसते खिलखिलाते सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाते कि नज़र कोरोना की नज़र आप पर पड़ गई तो सब कुछ तबाह हो जाएगा, कोहराम हो जाएगा। BTN न्यूज बार बार आपसे अपील करता रहा है कि उन कुर्बानी को भी याद कीजिए जिन्होंने घर में रहकर लगातार सूनी सर के रख कर त्याग दिया है, कुर्बानी दी है, उसे इस तरह भीड़ में तार तार मत कीजिए। इंसानियत को मत मारिए, इंसानियत को जिंदा रहने के लिए इंसान को जिंदा रखिए, कोरोना को दूर भगाइए, बीमारी से नफरत कीजिए, बीमार से नहीं। मोबाइल पर सुनने वाले ये वचन के अर्थ को जानिए, समझिए, संरक्षित सुरक्षित ढंग से अंत्येष्टि करने पर कोरोना का संक्रमण नहीं फैलता है, कोरोना का संक्रमण फैलता है आपकी लापरवाही से। जब आप बिना मास्क के सोशल डिस्टेंस उड़ाते हुए और बिना हाथ धोए हुए खाना खाते हैं और इस मास्क की धज्जियां उड़ाते हैं। पर सभी देशों को भी ऑलरेडी प्रदर्शित है मोटर व्हीकल एक्ट का सेक्शन 179 में
उसके तहत आपको सरकारी आदेश को उल्लंघन करते हुए कोई गाड़ी चलाने वाले के विरुद्ध 1000 तक फाइन करने का प्रावधान। सो पीटीओ से भी मेरे बात हुई है और मेरा चिट्ठी भी निकल रही है। कल 11 बजे सभी थाना अध्यक्ष और सभी एसपी डीएसपी के साथ एक वीसी हम लोग आयोजित किए हैं, उसमें भी हम लोग बता देंगे। 10 मिनट का वीसी रहेगा वो शॉर्ट, तो उसमें हम लोग बता देंगे। उसको भी इम्प्लीमेंट कराना पड़ेगा क्योंकि अब सरकार फील कर रही है कि कोविड का स्थिति बहुत गंभीर है, डेथ भी बहुत ज़्यादा होने लगे हैं। तो सरकार का ओपिनियन ये है कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा और कोई ऑप्शन अभी बचा नहीं, इसको सीरियसली साथ साथ जितना भी काम हो। दरभंगा अस्पताल में 4 दिन से पड़े एक शव का दाह संस्कार कबीर सेवा संस्थान के सदस्यों ने किया, और लेकिन जिलाधिकारी को एक ज्ञापन भी दिया कि यह लाश बड़े बेतरतीब ढंग से रखी गई थी और यह गल गया था। अगर इस तरह की किसी भिखारी का या ऐसे शव हो जिसका इंतजार ना करना हो तो नियम में पुनर्विचार किया जाए, 3 दिन की जगह सीधे अंत्येष्टि हो सकती। ये इंसानियत की दूसरी तस्वीर है। कबीर सेवा संस्थान लावाड़ी सब का लगातार अंत्येष्टि करता रहा है, और इसी क्रम में एक दिन बुधवार को जब अपनों ने अपनों को ठुकराया और सब की अंत्येष्टि करने के समय अंत्येष्टि नहीं करने दिया कि यह कोरोना संक्रमित है, लावाड़ी सब को अंततः अंत्येष्टि करने के लिए कबीर सेवा संस्थान के सदस्य सचिन राम, अशोक श्रीवास्तव, रोशन कुमार, मुकेश राय और कपिल राय श्मशान पहुंचे, विधिवत रूप से दाह संस्कार किया। ये तस्वीर है भारत की, ये तस्वीर है इंसानियत की, ये तस्वीर है मानवता की। साथ ही उन्होंने जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM से कहा कि यह सब छत बिछत था और बेतरतीब ढंग से रखा गया था, कारण अस्पताल का जो फ्रीजर है वह खराब है और सब सड़ जाता है। ऐसी परिस्थिति में जब भिखारी या ऐसे लोगों का सब मिले जिसका कोई वारिस न हो तो 3 दिन सब रखने के नियम पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने कहा, इस संदर्भ में संज्ञान लेते हुए कहा कि आगे से ऐसी स्थिति नहीं होगी। मालूम रहे कि 6 वर्ष से अपने खर्चे पर कबीर सेवा संस्थान के सदस्यगण अपनी सशस्त्र सेवा देकर, सश्रम सेवा देकर सबों का निस्तारण निष्पादन करते रहे हैं, और उसी के तहत ये दूसरी तस्वीर, एक तरफ जब अपनों ने ठुकराया, अपने सबको नहीं अंत्येष्टि करने दिया, दूसरी ओर दूसरे अज्ञात सब लावारिस सब की अंत्येष्टि विधिवत रूप से कबीर सेवा संस्थान के सदस्यों द्वारा। दलित लड़की की मौत पर CPIM की 5 सदस्यीय टीम पतोर पहुंची, घटनास्थल पर पहुंचकर घटना की जानकारी प्राप्त। दलित लड़की की मौत पर CPIM की 5 सदस्यीय टीम पतौर पहुंची। घटना स्थल पर पहुंचकर उन्होंने सारी जानकारी ली और पीड़ित के परिवार से भी मिले। मालूम रहे कि पतौर गांव के आम के बगीचे में 12 वर्षीय एक लड़की की लाश बरामद हुई थी, जिसके बाद इलाके में कोहराम मच गया था और लोगों ने मालिक को ही, आम के पेड़ के मालिक यानी बगीचे के मालिक को एक घर पर भी पथराव किया था, साथ ही पुलिस पर भी पथराव हुई थी और इसकी जांच अभी चल ही रही है। उसके घटना के दूसरे ही दिन CPIM की 5 सदस्यीय टीम वहां पहुंची और उन्होंने सारी जानकारी ली, पीड़ित परिवार के परिजनों से भी मिले। जानकारी मिली तुरंत, यहाँ हम लोगों ने आया और प्रोटेस्ट किया और पीड़ित परिवार के पक्ष में खड़ा हुए। हम लोग मांग करते हैं जो ये जो SP द्वारा या और जो दूसरे लोगों के द्वारा कहा जा रहा है, इस घटना को दूसरा मोड़ देने की कोशिश हो रही है, ये पूरा पूरी गलत है। ये बच्ची के साथ रेप करने के बाद हत्या हुई है, इसीलिए दलित शोषण मुक्ति मंच मांग करती है जो अविलम्ब अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो। अगर गिरफ्तारी नहीं होता है तो 15 तारीख को हम इसके खिलाफ IG और कमिश्नर के यहाँ प्रदर्शन करेंगे। 13 वर्षीय ज्योति कुमारी के साथ जो अन्याय हुआ है, मैं समझती हूँ कि ये बिहार की सरकार और भारत की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, ये बिल्कुल ये खोखला है, ढकोसला है। क्योंकि आज एक ज्योति कुमारी नहीं,
बल्कि प्रत्येक दिन आप अखबार का पन्ना उलट करके देखिए, प्रत्येक दिन छोटी बच्ची से लेकर उम्रदराज महिला के साथ सामूहिक बलात्कार और बलात्कार करके हत्या की घटनाएं से भरा पड़ा रहता है। ये नीतीश जी जो सुशासन की बात करते हैं और कहते हैं कि कानून का राज चल रहा है, कहाँ कानून का राज है? आज जिस तरह से ज्योति के साथ घटना घटी है, इस घटना की हम लोग पूरी निंदा करते हैं और हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि जो भी हत्यारे हैं फौजी और भी जो, उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए और परिवार को पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। सजा की मांग तो उनकी मां बैठी हुई है, फांसी से नीचे कोई सजा नहीं हो सकती। और ये बहुत जो लोगों के द्वारा जो पता चल रहा है कि कुछ लोग मिलकर के पुलिस के साथ मिलकर के इस पर लिपापोती कर रहे हैं, ये लिपापोती नहीं चलेगी क्योंकि लोग इसके खिलाफ खड़े हैं और सबसे पक्का गवाह तो खुद फौजी की पत्नी है। हम उसको धन्यवाद देते हैं, वो फौजी की पत्नी को धन्यवाद देते हैं। आज इसी तरह से महिलाओं को भी आगे आना पड़ेगा। बात करते हैं मौसम की। जी हां, तार के पेट पर ठनका गिरने से तार का पेड़ जल गया। मौसम विभाग की चेतावनी भले ही प्रथम दौर में नेपाल की तराई में रह गया, दरभंगा में नहीं आया, लेकिन जो सूचना है उसके अनुसार भीषण बारिश की पुनः चेतावनी दी गई। ये तार का पेड़ देखिए, घटना शिवजी चौक राढ़ी की है, ठनका गिरने से पब्लिक दहशत। मौसम विभाग की चेतावनी कि भारी बारिश होगी, लेकिन दरभंगा में ऐसी कोई दृश्य और ऐसा कोई कुछ बारिश नहीं हुआ, लेकिन जाले प्रखंड के राढ़ी गांव में तेज आवाज के साथ आकाशीय बिजली एक तार के पेड़ पर गिरी। बिजली तार के पेड़ पर जैसी ही गिरी, हरे भरे तार के पेड़ में आग लग गई और पेड़ से धुआं निकलने लगा। बिजली गिरने समय अचानक हुए तेज आवाज के कारण लोग कुछ पल के लिए डर गए, लेकिन थोड़ी ही देर में जब पेड़ से धुआं निकलना शुरू हुआ तब लोगों को लगा कि आकाश से बिजली इसी पेड़ पर गिरी है। ग्रामीण उत्सुकता भरे नजरों से पेड़ को देखने लगे। लोगों के अंदर बिजली का भय इतना था कि लोग पेड़ के नजदीक जाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे थे और दूर से ही पेड़ में लगी आग का वीडियो बना रहे थे। मौसम विभाग की माने तो भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। 48 घंटे की यह चेतावनी है कि सतर्क रहें, सावधान रहें और बारिश ज़्यादा तेज या ठनका होता गिरता है तो इससे भी सावधानी बरतें। बात बाढ़ की करते हैं। कुशेश्वर स्थान प्रखंड के कई पंचायत में बाढ़ का पानी फैलने लगा है और कल पंचायत कमला नदी के पानी से पूरा भर गया। जहां एक तरफ मौसम विभाग भारी बारिश की चेतावनी दे रही है, 48 घंटे की चेतावनी है, वहीं नदियों का जलस्तर भी बढ़ रहा है। बात करें कुशेश्वर स्थान प्रखंड के कई पंचायत में बाढ़ का पानी फैलने लगा है और कई गांव और पंचायत कमला नदी के पानी से घिर गया है। सबसे ज़्यादा प्रभावित इटहर पंचायत बताया जा रहा है। कई जगहों पर तो बाढ़ का पानी सड़क पर जाने के कारण गांव का प्रखंड मुख्यालय से सड़क संपर्क तक टूट गया है। खेत खलिहान के निचले इलाके में पानी पूरी तरह फैल गया है। धीरे धीरे गांव टापू में तब्दील हो रहा है। तकरीबन प्रखंड के 5 पंचायत बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। ऐसे में अब गाँव वालों के लिए आने जाने का सहारा सिर्फ एक नाव है। अब जिंदगी नाव पर सवार है और नाव के सहारे ही आने जाने खाने पीने के सामानों को लाया और पहुंचाया जा रहा। जरूरत की सभी सामाने लोग नाव के सहारे पूरे कर रहे हैं। वहीं नदी के कटाव से कुछ गांव पर खतरा भी मंडरा रहा है। पानी के बढ़ने के साथ ही कुछ लोग बांध पर भी शरण लेने पहुंच लगे हैं। प्रत्येक साल बाढ़ की मार झेलने वाले लोगों की परेशानी इस बार भी कम होता नहीं दिख रहा। लोग बाढ़ की समस्या का अस्थाई समाधान चाहते हैं। कुशेश्वर स्थान के प्रखंड विकास पदाधिकारी अशोक कुमार जिज्ञासु ने बताया कि बाढ़ का पानी से फिलहाल 5 पंचायत प्रभावित हो चुका है। जहां जहां पानी फैल रहा है उस इलाके के लोगों को ऊंचे जगह पर पहुंचाने का काम भी
शुरू कर दिया गया है। फिलहाल 85 निजी गांव और 17 सरकारी नाव को भी तैयार कर लिया गया है। कुछ जगहों पर 1 जुलाई से सरकारी स्तर पर नाव का परिचालन शुरू भी कर दिया गया है। स्थिति पर पूरी तरह से प्रशासन की नज़र बनी हुई है। आगे भी बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए सरकार और प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। जहां एक तरफ कोरोना के वजह से लोग भयभीत हैं और लोग दहशत में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, वहीं भारी बारिश की चेतावनी और दूसरी तरफ नदियों का बढ़ता जलस्तर, यानी एक साथ 3 समस्याएं और जिंदगी सिर्फ एक, पटरी सिर्फ एक, नाव सिर्फ एक, और इसी के सहारे पूरी जिंदगी भी काटनी है। कमला बलान पश्चिमी तटबंध के पूर्वी भाग में जो भी लोग बसे हुए हैं, इन सभी लोगों का जो मुख्य साधन है प्रखंड मुख्यालय तक पहुंचने का, वो केवल नाव है। लगभग साल में 4 से 5 महीना नाव के सहारे ही लोगों का आवागमन हो पाता है। दिक्कत हमारे बहुत चीज के छे, घर के, द्वार के, माल जाल, लोग बेच के सब के दिक्कत छे। बान ओगराने छे, हमारा के जमीन चाहिए, पुरनवास चाहिए, बुझलिए, पुरनवास देवे तब ने मेरे बाले बच्चे लोग बेद रहबे अथिर भ्या के। देखिए, प्रति साल प्रति बरस वहाँ हमेशा बाढ़ की स्थिति बनी रहती है, और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए प्रखंड प्रशासन की तरफ से हम लोगों ने अब तक मतलब निजी और सरकारी नावों का मतलब इकरारनामा नाविकों के द्वारा कर लिया गया है। 1 जुलाई से वहाँ मतलब नाविक जो अपना नाव लेकर चलाएंगे, और जैसे जैसे मतलब बाढ़ की स्थिति भयावह होगी, बढ़ती जाएगी, उस तरह से हम लोग अपना 19 अब तक ऊँचे शरण स्थलों का गठन किया गया है, चयन किया गया है, जहाँ से लोगों को वहाँ लाकर हम लोग उसका संचालन कराएंगे। बाकी अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक बार चार्ज करें 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन, ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरा सराय, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। शहर के एक मॉल में 2 कर्मचारी के कोरोना संक्रमित मिलने से दहशत। गुरुवार को 4 कोरोना संक्रमित, संख्या हो गई 305। अपने हुए पराए, कोरोना से मौत के मातम में डूबे परिजनों को समाज ने ठुकराया। अंत्येष्टि की जगह को लेकर विरोध। जनप्रतिनिधि और शांति समिति सदस्य ने प्रशासन के साथ देर रात तक किसी तरह की अंत्येष्टि। घृणा बीमार से या बीमारी से खुद रहे लापरवाह, और अधूरी जानकारी होने पर एकजुट हो कर देते मानवता का तार तार। मरे हुए इंसान से इंसानियत को जिंदा करने में रात भर लगे रहे चंद लोग, बहुसंख्यक समाज ने पल्ला झाड़ा। बीजेपी महिला नेत्री द्वारा बीजेपी नेता पर लगाया गया आरोप पर
हेमंत झा का पक्ष सामने आया है। श्री झा ने कहा कि लोकप्रियता देखकर उन पर यह आरोप लगाया गया है राजनीतिकता। बीजेपी महिला नेत्री द्वारा बीजेपी नेता पर लगाए गए आरोप पर हेमंत झा का पक्ष सामने आया है। श्री झा ने कहा है कि लोकप्रियता को देखकर विरोधी तत्वों में बौखलाहट है और सभी आरोप बेबुनियाद हैं। सीधा सीधी राजनीति चीज है। मेरी सक्रियता जो क्षेत्र में बढ़ रही है और मेरी लोकप्रियता जो क्षेत्र में बढ़ रही है, मेरी लोकप्रियता को बढ़ते देख करके मेरे राजनीति विरोधी उन्हीं के द्वारा किया गया एक राजनीति कुछ चक्र है। शिक्षा के क्षेत्र में बाजारीकरण एवं प्राइवेट स्कूल द्वारा किए जा रहे छात्रों अभिभावकों के शोषण पर सरकार की चुप्पी के विरुद्ध मुस्लिम बेदारी कारवा ने प्रतिवाद मार्च निकाला लालबाग से और कोतवाली ओपी तक। शिक्षा के बाजारीकरण एवं प्राइवेट स्कूल द्वारा किए जा रहे छात्रों अभिभावकों के शोषण पर सरकार की चुप्पी के विरुद्ध मुस्लिम बेदारी कारवा ने प्रतिवाद मार्च निकाला, साथ ही मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया लालबाग। प्राइवेट स्कूल संचालक जो है कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कभी मीडिया के माध्यम से अभिभावकों पे जो ये लॉकडाउन के पीरियड में स्कूल कॉलेज बंद रहा है उसके फीस का दबाव बना रहे हैं। हम लोगों की मांग है कि ये जो कोरोना महामारी है इससे पूरी दुनिया आज त्रस्त है, हमारा देश भारत भी इस कोरोना बीमारी से लड़ रहा है, जूझ रहा है। हम लोगों की भक्ति है कि ये बीमारी से पूरा देश लड़ रहा है, जो इस पीरियड में स्कूल बंद, इसकी कोई फीस प्राइवेट स्कूल नहीं ले। हम लोगों की जो मुख्य मांग है कि मार्च 2020 से अगस्त 2020 की 6 महीने की ये स्कूल की हर तरह की जो फीस है उसको स्कूल मालिक माफ कर। शिक्षक तथा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के वामपंथी उम्मीदवार रामदेव राय तथा अनिल कुमार सिंह के समर्थन में CPIM ने प्रमंडलीय बैठक का आयोजन किया। शिक्षक तथा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से वामपंथी उम्मीदवार रामदेव राय तथा अंजनी कुमार सिंह के समर्थन में CPIM की प्रमंडलीय बैठक महाराजा महेश ठाकुर मिथिला महाविद्यालय में हुई। के फॉर्म और कुछ साथियों से मिल करके इंडिविजुअली जो हमारे जिला के संबद्ध जिला के नेतृत्व के साथी थे वहाँ तक स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का फॉर्म वगैरह भी हमने पहुँचाने का और कुछ अपील टाइप से भी पहुँचाने का काम किया था और हमको बड़ा अच्छा अनुभव हुआ था कि जो सवाल चूँकि इस चुनाव में आज तक की जो स्थिति देश है कि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की तैयारी के संदर्भ में हम समीक्षा करने के लिए बैठे हैं और इस बैठक का उद्देश्य है कि इस बैठक के माध्यम से हम शिक्षकों की शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में जो चारों जिला के हमारे मित्र लोग हैं जो हमारे संगठन से जुड़े हुए हैं जो शिक्षक लोग हैं उनको इस काम में जागरूक करना लगन है। शहीद अब्दुल हमीद की जयंती मनाई गई ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवा। शहीद अब्दुल हमीद की जयंती मनाई गई शहीद अब्दुल हमीद चौक पर। तो ये थे अब तक के समाचार, लेकिन विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। शहर के एक मॉल में 2 कर्मचारी के कोरोना संक्रमित मिलने से दहशत। गुरुवार को 4 कोरोना संक्रमित, संख्या हो गई 305। अपने हुए पराए कोरोना से मौत के मातम में डूबे परिजनों को समाज ने ठुकराया। अंत्येष्टि की जगह को लेकर विरोध। जनप्रतिनिधि और शांति समिति सदस्य ने प्रशासन के साथ देर रात तक किसी तरह की अंत्येष्टि। घृणा बीमार से या बीमारी से खुद रहे लापरवाह और अधूरी जानकारी होने पर एकजुट हो कर देते मानवता का तार तार। मरे हुए इंसान से इंसानियत को जिंदा करने में रात भर लगे रहे चंद लोग, बहुसंख्यक समाज ने पल्ला झाड़ा।
इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन आप अपना ख्याल जरूर रखिए, आप हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सोशल डिस्टेंस अपनाना है, साबुन से हाथ धोना है, मास्क लगाना है, कोरोना को भगाना है। अपना ख्याल जरूर रखिए, कोरोना को भगाइए, स्वस्थ रहिए, स्वस्थता ही जीवन। नमस्कार, जय हिंद।